Good morning, students. Myself Chaudhary Kamala. In your 4th standard EVS subject, we already finished October chapter number 22 in our previous video. Now today we have to start our chapter number 23, Pochampalli. In that part 1 today we have to start. Chapter number 23, Pochampalli. Mani and Prasad live in a village called Muktapur. जो वाणी एंड प्रसाद है वो जो गांव में रहते हैं उसका नेम क्या है मुक्तापुर. देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स. उनके घर में पूरे दिन किसके बंडल रहते हैं तो ब्राइट कलर के जो थ्रेड आते हैं दूरे आते हैं उससे भरा हुआ होता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन हर फैमिली इन दी फैमिली आर वीवर्स. वो सब लोग क्या करते हैं वीवर्स का काम करते हैं. द वीविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. वो जो वीविंग का काम करते हैं वो बहुत ही ब्यूटिफुल और स्पेशल काम है. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन और वो मंडल ऑफ आंध्र प्रदेश, उसको मंडल भी अभी बोलते हैं और उसका नेम क्या है पोचमपल्ली टाउन. वो आंध्र प्रदेश का एक गाँव है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दिस इन दिस टाउन आर वीवर्स. सभी उनके फैमिलीज जो काम करते हैं वो सब मोस्टली क्या है वीवर्स है. दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वेव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. वो जो स्पेशल क्लोथ बनाते हैं जिसको वेव करते हैं उसका नेम क्या है पोचमपल्ली. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये गांव के विलेजर्स से वो बहुत ही लंबे समय से ये काम कर रहे हैं. वाणी एंड प्रसाद फैमिली लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वाणी और प्रसाद ने ये काम जो अपने पेरेंट्स से अपने एल्डर्स से उनके पास से सीखा था. आपको इधर दिख रहा है जो उनके क्लोथिस पे अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं अलग टाइप की. इसका पिक्चर आपको दिया है, इधर आपको दिया है सबसे पहले कि वेविंग का कुछ मशीन में डालते हैं और ये सब ऐसे डिज़ाइन बनती है क्लोथिस के ऊपर. आपने देखा होगा मोस्टली ये वाला. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ी. साड़ी कैसे बनाते हैं तो थ्रेड में से आपको इधर दिख रहा है उसका पूरा प्रोसेस. इधर से स्टार्ट करके लास्ट इधर सारे कैसे बनती है तो देखो एक जो क्लोथ है थ्रेड ये आपको इधर दिख रहे हैं जो थ्रेड लाते हैं शॉप में से. इसके ऊपर ऐसे जो चक्की जैसा कुछ आता है उसके ऊपर लगाते हैं. फिर कुछ ऐसे क्लोथिस के पीस आए हैं ऐसा कुछ अलग अलग डिज़ाइन वेव करते हैं. इधर आपको दिख रहा है दोनों मशीन में सभी जगह पर और फिर वो सारी प्रिपेयर होती है. नाउ पेज नंबर 188. नाउ वाणी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स. अभिमानी और प्रसाद दोनों अपने पेरेंट्स को मदद करते हैं. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल में जब रिटर्न आते हैं तभी वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्ड हार्ड वर्क. ये जो वीविंग है वो उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और उसके लिए डिफरेंट थिंग्स मीन्स बहुत ही अलग अलग चीज़ें भी चाहिए वो जो एक्चुअली वीविंग स्टार्ट करने से पहले. फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, थ्रेड से लेके क्लोथ तक. फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. फादर ने बहुत ही बंडल लाए थ्रेड के पोचमपल्ली टाउन में से. मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे दी डर्ट एंड स्टेन्स. जो ये थ्रेड्स जो थ्रेड्स थे उसमें से डर्ट है वो और स्टेन्स है वो निकालने के लिए जो बॉयल किया है वाटर उसमें उसको धोने के लिए डाल दिया. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई दी थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स. फिर सब लोग लग जाते हैं जो थ्रेड है उसको ब्राइट कलर की डाई करने के लिए. दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स. फिर से उसको वो थ्रेड को सुखा के उसका रोल करके बंडल बनाएंगे. दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड दी क्लोथ इज वुवन. इसको हम लूम बनाते हैं लूम में रखते हैं और क्लोथ का वुवन स्टार्ट होता है. सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ीज आर वुवन फ्रॉम दिस सिल्क थ्रेड. सिल्क का जो क्लोथ आता है सिल्क की साड़ी आती है वो किस में से वो किया जाता है तो वो सिल्क के थ्रेड में से. कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लोथ एंड शीट्स एट्सेट्रा. कॉटन का थ्रेड होता है वो कॉटन साड़ी बनाने के लिए क्लोथ बनाने के लिए शीट बनाने के लिए यूज होता है. द लूम हैज मैनी मैनी नीडल्स. लूम में क्या होती है बहुत ज़्यादा नीडल्स होती है. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. डिज़ाइन के हिसाब से हम उसके साइज नीडल की और नंबर ऑफ नीडल्स जो नंबर ऑफ नीडल्स हमें कितनी रखती है वो हम चेंज कर सकते हैं लूम के अंदर. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. इसके थ्रू वो वर्ल्ड फेमस जो ये डिज़ाइन ट्रेडिशनल क्राफ्ट करके बनाते हैं. ये क्राफ्ट इन डेंजर. अभी क्राफ्ट बहुत ही खतरे में है.
Great skill is needed to weave such special sarees. It also takes many days of hard labor. ये काम करने के लिए बहुत ही लंबा मीन्स बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं. After all this, it is difficult to get good price for this sarees. ये सब करने के बाद भी इसके लिए हमें जो रुपीस चाहिए वो नहीं मिलते हैं. Silk is becoming expensive day by day. सिल्क के वो डे बाई डे बहुत ही महंगा होता जाता है. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटल मनी फॉर दी सारीज. ये सारी के लिए जो बड़े जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनको बहुत ही कम पैसे देते हैं. थ्रू दे देम सर्विस सेल देम एट वेरी हाई प्राइस. और वो उसको बेचते हैं बहुत ही हाई प्राइस में. दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट. और इसकी वजह से वो अपना क्राफ्ट का वर्क छोड़ते जाते हैं. Many are leaving their villages to work as laborers in big cities. We need to solve this problem by helping them get a better price. हमें उनको better price means अच्छे से price मिले उसके लिए हमें मदद करनी चाहिए. Otherwise this precious craft will be lost forever. Otherwise क्या होगा ये जो work है वो हम खो देंगे lifetime के लिए. Now page number 189 discuss में आपको question answers दिए हैं. वाणी एंड प्रसाद लर्न द ब्यूटिफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली. वाणी और प्रसाद ने अपने फैमिली में से ऐसा कुछ क्राफ्ट वर्क उन्होंने सीखा था. वेन दे ग्रो अप डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स फॉर द क्राफ्ट. तो वो दोनों एबल होंगे अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए क्राफ्ट वर्क. तो यस दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट. ये क्राफ्ट की स्किल है वो दोनों सिखा पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन योर नोटबुक इन दैट फर्स्ट हैव यू एवर सीन एनीबडी वेव समथिंग ऑन ए लूम. आपने कोई बार ऐसे लूम में किसी को वेव करते हुए देखा है. एंड व्हाट आर दे वेविंग एंड वेयर. और वो क्या वेविंग करते हैं और कहाँ पे करते थे. तो यस आई सो इट ऑन टीवी. मैंने टीवी में देखा है वेविंग करते हुए. दे वेयर वेविंग ए शॉल. वो क्या वेविंग करते थे शॉल बनाते थे. देयर वॉज ए प्रोग्राम ऑन द टीवी अबाउट वीवर्स ऑफ भागलपुर. भागलपुर का जो वीवर्स के टीवी प्रोग्राम था उसमें मैंने देखा था. नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इफ यू विजिट सॉरी द थ्रेड्स ऑफ साड़ी आर डाइड. जो साड़ी के थ्रेड है उसको डाई करते हैं. डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाइड. आपने कोई ऐसा दूसरा देखा है कि जिसको डाइड करते हैं. तो वुलन थ्रेड्स आर ऑल्सो डाइड. जो वुलन के थ्रेड आते हैं उसको भी डाइड करते हैं. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इफ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज इफ़ द एंटायर विलेज इज वेविंग सारीज. अगर आप वानी का विलेज को देखोगे तो वो पूरा गाँव क्या करता है साड़ी का वेविंग करता है. डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस टू डू. अब एक जगह पर रहते सब लोग काम करते हो. तो यस सच एज पोट्री. पोट्री की तरह होता है उसमें. नेक्स्ट है डू दे मेक सम आर्टिकल. वहाँ पर कोई आर्टिकल बना सकते थे. यस दे मेक अर्थन पोट्स. दूसरा आर्टिकल बना सकते थे. यस जो अर्थन पोट्स आते हैं वो भी बनाते हैं. फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल. आर्टिकल बनाने की प्रोसेस आपको लिखनी है इधर. एंड वॉट आर द डिफरेंट स्टेप्स. तो उसके अलग अलग स्टेप कौन से होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक डफ ऑफ द फाइन अर्थ. जो अर्थ में से वो फाइन अर्थ की क्या बनाएंगे डफ बनाएंगे. द डफ इज पुट ऑन द वुडन व्हील. उसको क्या करेंगे जो लाकड़े का व्हील है उसके ऊपर रखेंगे डफ को. एंड विच इज कोल्ड द चाक और पोटर्स व्हील. उसको हम चाक भी बोलते हैं और पोटर का व्हील भी बोलते हैं. पोटर देन गिव्स द डिजायर्ड शेप्स टू द अर्थन डफ. उसको अलग शेप देगा और वो मटके जैसा कुछ शेप बना के अलग अलग शेप दे सकता है जो हमने मिट्टी में से डफ बनाया उसका. डिजायर्ड पोट्स एंड टॉयस मेड ऑफ अर्थ आर ट्राइड इन द सन एंड अदर देन बेक्ड इन किल. उसको हम सन में सुखाते हैं सनलाइट में और फिर उसको हम किल के अंदर बेक करते हैं इसको. देन दे आर कलर्ड एज पर रिक्वायरमेंट. जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम उसका कलर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का. डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल. ये आर्टिकल बनाने के लिए दोनों का अलग अलग काम होता है. तो यूजुअली दे डू द सेम वर्क एंड शेयर दैट टास्क. वो मोस्टली क्या करते हैं. तो यूजुअली वो दोनों सेम वर्क करते हैं और वो अपना टास्क होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का. डू चिल्ड्रंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट
इन मेकिंग दिस आर्टिकल चिल्ड्रन भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस सब काम करने के लिए, तो यस चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस दी आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स बनाने के लिए चिल्ड्रन भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। नाउ फाइंड आउट एंड राइट इन दैट फर्स्ट नंबर बट यू कंप्लीटली विद नंबर 189 का 9 नंबर का क्वेश्चन, टॉक टू एन आयन स्मिथ ए कारपेंटर एंड ए पोटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क, उनका काम क्या क्या होता है। तो आयन स्मिथ क्या करता है, तो मेक्स द थिंग्स ऑफ आयन, लोहे की चीज़ बनाने के लिए आयन की चीज़ बनाने के लिए आयन स्मिथ काम करता है। कारपेंटर तो मेक्स द वुडन आर्टिकल्स, जो लाकड़े के कोई आर्टिकल्स बनाने तो उसके लिए कारपेंटर काम करेगा। पोटर तो पोटर क्या करेगा, तो मेक्स द अर्थन पॉट्स एंड टॉयस, जो मिट्टी में से बनने वाले पॉट्स एंड टॉयस का काम कौन करता है, पोटर करता है। नेक्स्ट है, वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, ये काम करने के लिए उन्होंने कहाँ से सीखा है। तो यूजुअली दे लर्न दिस थिंग इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास से ये सब कुछ सीखते हैं। नाउ पेज नंबर 190 पे आपको कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, दूसरा वो क्या कर सकते हैं। तो पेज नंबर 190 पे द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग गुड पॉटरी, वो इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अच्छी सी पॉटरी कर पाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू थॉट दिस वर्क बी टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स, तो यस दे टीच, वहाँ पे वो काम किसी को सिखाते होंगे अपने फैमिली में या किसी दूसरे को, तो यस दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनीवन एल्स हु लाइक्स टू लर्न इट, अगर किसी को ये काम करना पसंद है तो वो किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, एक टेबल दिया है आपको, द टेबल बिलो हैज़ ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू, लोग जो अलग अलग काम करते हैं उसका आपको एक इधर टेबल दिया है। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क, आप जानते हो ऐसा कोई काम करने वाले लोगों को, तो राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, इधर आपको उसका नाम लिखना है। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम होम हैव दे लर्न देयर टास्क देयर वर्क, वो अपना जो काम है वो किसी के पास से उन्होंने सीखा होगा, तो किसके पास से सीखा है। तो फर्स्ट कॉलम है काइंड ऑफ वर्क, एक काइंड ऑफ वर्क है। नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, तो आप जो भी ऐसे लोग हैं कि जैसे कि क्लोथ वीविंग, तो क्लोथ वीविंग का काम कौन करता है, प्रशांत एंड वानिस पेरेंट्स, आपको एक एग्जांपल दिया है। और वो काम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क फ्रॉम, तो ये काम उन्होंने कहाँ से सीखा है, तो फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के पास से इन्होंने काम सीखा है। नाउ इसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट कुकिंग, काइंड ऑफ वर्क है कुकिंग, तो कुकिंग का काम कौन करता है, तो हमें जो मैं पहचानती हूँ वो वाला कौन सा है, तो विवेक सिंह, ये भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज अपने खुद का भी कोई कुकिंग करने वाला कोई पर्सन है तो उसका नेम आप इधर लिख सकते हो, तो विवेक सिंह। और वो क्या करता है, तो किसने उसको सिखाया है, तो इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो अभी कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट का वहाँ से उसने सीखा है। नेक्स्ट है साइकिल रिपेयर, तो साइकिल रिपेयर कौन करता है, तो राजकुमार दास, और वो किसके पास से सीखा है, तो फ्रॉम देयर एल्डर्स। नेक्स्ट है फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो ये राजहंस, और ये इन दी फ्लाइंग स्कूल, जो फ्लाइंग स्कूल है वहाँ से उसने सीखा है। नेक्स्ट है शूइंग एंड एम्ब्रॉयडरी, तो ये सुकुमारी एंड फ्रॉम हर एल्डर्स, जो शूइंग का काम है और एम्ब्रॉयडरी का, तो ये सब उसके एल्डर के पास से सीखा है। नेक्स्ट है सिंगिंग, तो लता मंगेशकर फ्रॉम हर फादर, सब लोग जानते होंगे वो तो। नेक्स्ट है मेकिंग शूज, शूज़ बनाने का काम तो सुरेश कुमार एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो अभी फैशन टेक्नोलॉजी है उसमें उसने सीखा है। फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स कौन फ्लाई करता है, तो रवि एंड राकेश फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, जो रवि एंड राकेश है उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर के पास से सीखा है। नेक्स्ट है फार्मिंग, तो फार्मिंग कौन करता है, तो अशोक एंड रमेश, और वो अशोक एंड रमेश ने वो काम कहाँ से सीखा है, तो फ्रॉम देयर एल्डर्स। नेक्स्ट है कटिंग हेयर, हेयर कट करना काम, तो किसके कौन कौन करता है, तो नरेश एंड महेंद्र और फ्रॉम देयर एल्डर्स, और वो काम उन्होंने किसके पास से सिखाए, तो उनके एल्डर के पास से। नाउ हियर दिस वन टेबल इज फिनिश्ड एंड योर चैप्टर नंबर 23 इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 24 वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।